बड़ी खबर दे देते हैं आपको। जोशीमठ आपदा पर अब केंद्र सरकार भी एक्शन में है। मामले में जल शक्ति मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया है। जोशीमठ आपदा का अध्ययन करेगी ये कमेटी, 3 दिनों के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। 5 सदस्यीय कमेटी जोशीमठ जाएगी और आपदा का अध्ययन करेगी। तो बिल्कुल, आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय की कमेटी में पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि, सेंट्रल वाटर कमीशन के प्रतिनिधि और क्लीन गंगा मिशन के प्रतिनिधि, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के सदस्य को रखा गया है, जो कि जोशीमठ आपदा को लेकर अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे। तो 3 दिन का अध्ययन इस टीम की तरफ से किया जाएगा। जो स्थिति अभी जोशीमठ में बनी हुई है, क्या कारण उसके पीछे है, इस पर अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ के दौरे पर रहने वाले हैं, टीम के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं और जो स्थिति बनी हुई है उसकी समीक्षा भी आज सीएम की तरफ से की जाएगी। यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही एक्शन मोड में, जोशीमठ को लेकर आपदा पर एक्शन में है केंद्र सरकार और जल शक्ति मंत्रालय ने कमेटी का गठन कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।